शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय में फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। और इसका मकसद ये होता है कि 26 जनवरी के मौके पर एकता का एक पैगाम दिया जाए और इसमें तकरीबन कोशिश की जाती है कि सारे लोगों को दावत दिया जाए और एक जो भारत में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है कम से कम अगर उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं इसके जरिए भी एक पैगाम भेजा जाए। ये चूंकि संविधान का दिन है, 1950 में संविधान बना था तो लागू हुआ था, तो सबसे बड़ी बात जो पैगाम जाना चाहिए वो ये है कि देशभक्ति का नाम जो है उसके सबसे बड़ी देशभक्ति ये है कि हम लोग अपने देश के संविधान का एहतराम करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। संविधान अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, असल होता है कि अच्छा संविधान लागू हो और अच्छे संविधान का हम एहतराम करें। मुस्लिम या सांप्रदायिक ताकतें होती हैं जो लड़ाने वाली हैं, हमेशा दुनिया में गलत लोग रहते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जो लड़ने वाले हैं क्या अल्लाह ताला ने उनको जो है वो अक्ल नहीं दिया है, वो जान जाते हैं कि ये लोग लड़ाने वाले हैं तो अपनी अकलों से हम लोग करें, तो उसका हल मसले का क्या है। असल बात दो तीन बातें करते हैं, असल मसले का हल उसमें ये होता है कि अगर सिलेबस में सही बातें पढ़ाई जाए तो मेरी समझ से नफरत का जो बीज फैलाया जाता है उसमें कामयाब लोग नहीं होते, लेकिन क्योंकि सिलेबस गलत हो रहा है, इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, लिहाजा उसका नतीजा ये निकलता है कि जो बातें उनको बताई जाती हैं उस पर वो विश्वास रखते हैं, वरना भारतवासी मिजाजन बुरे आदमी नहीं है। ये सिलेबस ना होने की वजह से, सिलेबस इतिहास का गलत पढ़ाने की वजह से ऐसा होता है। मुसलमानों ने, उलमाओं ने इस देश को आज़ाद कराने में जो शहादत पेश की थी उनको हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना है, खिराज अकीदत पेश करना है और उन्हीं की कुर्बानी को याद करते हुए मोहब्बत और अमन के जो दीप जले हैं हमारे दरमियान में वो जलता रहे, ये मुल्क तरक्की करता रहे, इसी पैगाम को आम करना है कि मोहब्बतें हमें बांटना है। अगर हम कोई तकलीफ भी पहुंचाए, काटा दे तो हम उसका जवाब फूल से देंगे, एक गुलाब का फूल उसको पेश करेंगे और कभी हम नफरत का जवाब जो है नफरत से नहीं देंगे बल्कि मोहब्बत से देंगे। यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है।